अलीराजपुर जिले के कोविड प्रभारी मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने कल अलीराजपुर जिले के सोंडवा का दौरा किया। यहां वे आदर्श वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे और यहां पहुंचकर उन्होंने वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लिया। जायजा लेने के बाद उन्होंने कहा कि ऐसा सेंटर उन्होंने कहीं नहीं देखा है और इस तरीके के केंद्र कई जगह बनाए जाने चाहिए। आपको बता दें कि इलाके में टीके को लेकर भ्रम की स्थिति है, अफवाह की स्थिति है और उसे हतोत्साहित करने के लिए और टीकाकरण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सोंडवा का ये स्थानीय आदर्श वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। इस वैक्सीनेशन सेंटर की खूबसूरती ये है कि जब आप इसमें प्रवेश करते हैं तो स्थानीय बीआरसी ऑफिस में इसे तैयार किया गया है। यहाँ फूलों से स्वागत द्वार पर ही फूल लगे हुए हैं, वहाँ आपका स्वागत होता है और उसके बाद पंजीयन के पश्चात वेटिंग रूम जो कि एसी से जहाँ पर एसी मौजूद है वहाँ पर आपको बिठाया जाता है। बारी आने पर टीका लगाया जाता है और टीका लगाने के बाद एक अन्य कक्ष में बिठाया जाता है जहाँ पर मनोरंजन के लिए एक बड़ी सी स्क्रीन लगी है। जागरूकता संबंधी संदेश भी इसमें चलते हैं और वहाँ पर 30 मिनट का समय टीका लगाने वालों को दिया जाता है, बैठाया जाता है और साथ में ज्यूस भी दिया जाता है। इस पूरी व्यवस्थाओं से न सिर्फ प्रभारी मंत्री गदगद दिखाई दिए बल्कि जो टीका लगवाने आए वो भी काफ़ी खुश दिखाई दिए। बहुत अच्छा है, वातावरण अच्छा है और आपको एक सहज अनुभूति होती है। माहौल ऐसा नहीं है कि किसी आप हॉस्पिटल में आए हैं, एक तो ज्ञान का मंदिर है, बीआरसी ऑफिस है और आईएसओ सर्टिफाइड ऑफिस है। मेरे ख्याल से मैंने तो पहली बार आईएसओ सर्टिफाइड बीआरसी ऑफिस देखा है, तो इन्होंने बहुत अच्छा मैनेज किया है मेरे ख्याल से। और मैं कुछ लोगों से भी मिला, कुछ युवा भी थे, कुछ मिडिल एज ग्रुप के लोग थे जिन्होंने वैक्सीनेशन लगवाया है और उनका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हम लोगों ने पहुंचा। हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे प्रभारी संगठन के जयदीप जी भी थे और वो लोग बड़े खुश थे और कोई घबराहट नहीं थी, कोई बिल्कुल उनको मन में किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी। तो मुझे लगता है कि इसी प्रकार के लोग जो यहाँ से अनुभव लेके जाएंगे, ये हमारे लिए थर्ड पार्टी एंडोर्समेंट का काम करेंगे। जब ये लोग जाके बोलेंगे कि हम गए, हमने टीका लगवाया, बहुत आराम से हमने लगवाया और कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसी तरीके से ये चेन बनेगी वैक्सीनेशन की। जैसे कोविड की चेन बनी वायरस की, संक्रमण की, वैसे ही हमें वैक्सीनेशन की चेन बनानी है। मुख्यमंत्री जी भी यही चाहते हैं और मेरे ख्याल से इस प्रकार के केंद्र इसमें हमारे लिए बहुत सहायक हों। सर, यहाँ पर बहुत अच्छा लगा और यहाँ पर पहले आराम से बिठाया, उसके बाद जूस पिलाया, उसके बाद रेस्ट करा के थोड़ी देर फिर टीका लगाया और उसके बाद फिर वापस रेस्ट, आधे घंटे के लिए रेस्ट कराया। यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधा थी, बहुत अच्छे से केयर करके नंबर को टीका लगाया गया, यहाँ बहुत अच्छा लगा। जैसे ही मैं वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर घुसा, जैसे अंदर जाके पूरी प्रोसेस करी, उसके बाद मुझे वैक्सीन लगाया। वैक्सीन लगाने के बाद आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए बैठने को कहा, तो अंदर वेटिंग रूम बहुत अच्छा बनाया हुआ है, यहाँ पर बिल्कुल एसी वैसी लगाया हुआ है, ऐसा लग रहा है कि मतलब घर जैसी फीलिंग आ रही है। और दूसरी बात, यहाँ पे मूवी वूवी चल रही है जैसे मनोरंजन के लिए, तो कहाँ टाइम स्पेंड हो जाता है पता नहीं चल रहा है और बहुत अच्छी जगह बनाई है। और मैं सभी को यह कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग जल्द से जल्द अपना अपना वैक्सीनेशन लगाएं। इस संबंध में स्थानीय अफसरों ने जिन्होंने ये नवाचार किया है उनका कहना है कि जिस तरीके की भ्रांतियाँ इलाके में फैली हुई हैं, अफवाह फैली हुई है, उसे दूर करना हम सबकी जिम्मेदारी है क्योंकि हम लोग मैदान में काम करते हैं और लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए कि टीकाकरण से उनको ही फायदा है, वो सुरक्षित हो जाएंगे और टीकाकरण से किसी तरीके का भय का माहौल पैदा ना हो, इसके लिए उन्होंने यह आदर्श केंद्र बनाया है। यहाँ आकर जो लोग टीका लगाएंगे वो जब गांव में जाएंगे तो लोगों के बीच में सकारात्मक संदेश जाएगा और यही उनका उद्देश्य है कि टीकाकरण को लेकर सकारात्मक संदेश जाए। हमारी टीम सोंडवा ने एक विचार किया कि अलीराजपुर ज़िले में क्यों न एक ऐसा सेंटर बनाया जाए, उसी में अगर कोई सोंडवा विकासखंड का नाम लेता है तो बोले कि सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, यहाँ कैसे क्या सुविधा होगी, सबसे बड़ा विकासखंड है। तो टीम सोंडवा ने विचार किया क्यों न एक ऐसा आदर्श वैक्सीनेशन सेंटर बनाया जाए कि जिसमें सब तरह की सुविधा हो। हमने यहाँ सुविधाओं के बारे में ऐसी व्यवस्था करी है कि जैसे ही कोई व्यक्ति यहाँ पर आता है उसने जो भी अपना रजिस्ट्रेशन कर रखा है, रजिस्ट्रेशन प्लस आधार कार्ड हम उनसे लेकर केंद्र में जमा करते हैं और जो भी व्यक्ति आता है हमने अलग से एक केंद्र की व्यवस्था करी है
टीकाकरण पूर्व विश्राम केंद्र, वहाँ हम उन्हें विश्राम कराते हैं। जैसे ही उन व्यक्तियों का नाम आता है हम उन्हें वैक्सीनेशन केंद्र में ले जाते हैं, वहाँ उनका वैक्सीनेशन होता है। वैक्सीनेशन के पश्चात हमने एक और कक्ष की व्यवस्था करी है, टीकाकरण के पश्चात विश्राम कक्ष, वहाँ हम उन्हें आधे घंटे के लिए विश्राम के लिए रखते हैं। वहाँ पर हमने प्रोजेक्टर के माध्यम से कुछ वीडियो क्लिप रखी हुई हैं जो हम उनको दिखाते हैं तथा उनके माध्यम से एक संदेश देना चाहते हैं कि अगर हम टीकाकरण करवाते हैं तो टीकाकरण करने के पश्चात हमें कौन कौन सी सावधानियां रखना पड़ेगी, या हमारे मन या विचार में जो भी ऐसे विचार आते हैं उनका हम समाधान करते हैं। उसी कक्ष में हमने अलग से एक जूस की व्यवस्था करी है कि जिन्हें ऐसा लगता है कि मैं इतनी दूर से आया हूँ, मुझे कमज़ोरी जैसा लग रहा है, तो वहाँ उनके लिए जूस की व्यवस्था भी करी है। आधे घंटे के विश्राम के पश्चात हमने यहीं बाहर सेल्फी सेंटर भी बनाया है, यहाँ जिन्होंने भी अपना वैक्सीनेशन करवाया है वे सभी यहाँ आते हैं, अपनी सेल्फी लेते हैं। और हम सभी से निवेदन करते हैं कि आपने अगर टीका लगवा लिया है आप अपने परिवार को बताएं, अपने समाज मोहल्ले में प्रचार प्रसार करें कि वर्तमान में जो कोविड-19 महामारी चल रही है इसका एक ही समाधान है कि हम सभी टीकाकरण करवाएं। बेसिकली मुझे लगता है कि पूरी टीम का विचार ये था कि क्षेत्र में टीकाकरण को लेकर स्थिति बहुत दयनीय है, बहुत दुष्प्रचार है, बहुत भ्रम है, अफवाह की विचारणीय स्थितियाँ हम लोगों को क्षेत्र में मिली। हमारी पूरी टीम क्षेत्र का भ्रमण करती थी और हम समुदाय के साथ बहुत इंटीरियर में जाके कहीं बैठक करके ये प्रयास समझने का करते थे कि आखिर टीकाकरण से लोगों को क्यों चिढ़ है, क्या ऐसे कारण हैं जिसके आधार पर वो लोग टीकाकरण नहीं करवाना चाहते हैं। तो जब ये सारी चीज़ ध्यान में आई तो लगा कि अब एक ऐसा अवसर हमारे हाथ में है, यदि टीकाकरण को बहुप्रचारित कर पाएँ, कुछ आदर्श व्यवस्थाएं कायम कर पाएँ जिसमें समाज का ना केवल भरोसा हो बल्कि समाज को कुछ बेहतर अनुभव हो। मैं समझता हूँ यही मूल विचार था और इसी के आधार पर हमने टीम, जिसमें आदरणीय हमारे SDM साहब का बहुत मार्गदर्शन है, तहसीलदार श्री कैलाश सस्तिया जी, हमारे नायब तहसीलदार शर्मा जी और हमारी BRC ऑफिस और BRC और उनकी पूरी टीम, मेरे BO ऑफिस की टीम, हम सब ने मिल के और हमको स्वास्थ्य विभाग से भी इसमें सहयोग मिला, हम सब ने मिलकर एक आदर्श वैक्सीनेशन सेंटर की पहले कल्पना की और फिर उसको मूर्त रूप दिया गया। मुझे कहने में बिल्कुल कोई संकोच नहीं है कि इसमें NGO पार्टनर ने भी हमारा बहुत सहयोग किया, TRIF की ओर से हमको सहयोग मिला, निरोग समिति की ओर से, इरमा फाउंडेशन की ओर से हमको सहयोग मिल रहा है। हम लोग और कुछ सुविधाएँ अपग्रेड करना चाहते हैं जिससे ये आदर्श वैक्सीनेशन सेंटर क्षेत्र में निरंतर रहे। देखिए, इसके विषय में दो कारण थे मुख्य रूप से। पहला तो ये कि जो गत अप्रैल माह रहा है वो इतना भयावह रहा है हमारे क्षेत्र के लिए, कई लोगों की मृत्यु हुई, कई लोगों को हमने खोया। और दूसरा रीज़न ये था कि इस क्षेत्र में वैक्सीनेशन को लेके कई प्रकार की भ्रांतियाँ उत्पन्न हो गई है। काफ़ी ग्रामीण लोग हैं, कई लोग अशिक्षित भी हैं, अफवाहों में बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो हम लोग ये चाहते थे कि चूंकि अब 18 प्लस का वैक्सीनेशन चालू हुआ है, युवाओं को हम वैक्सीनेशन करवाएंगे, तो वो लोग जब यहाँ पर आएँ तो यहाँ पे इतना पॉजिटिव माहौल देखें, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि पिछला माह जितना भयावह रहा है इतना नकारात्मक रहा है, तो यहाँ पे सकारात्मक माहौल देखें, यहाँ पे इसको फील करें और जब वो वापस जाएँ तो वैक्सीनेशन के विषय में, यहाँ की व्यवस्थाओं के विषय में केवल सकारात्मक बातें ही सभी से करें। और जब ये सकारात्मक बातें गांव-गांव में फैलेगी तो एक से दूसरे पे फैलेगी, दूसरे से तीसरे पे फैलेगी और हम फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन करवाने का हमारे लक्ष्य में हम सफल हो पाएंगे। तो जिस तरीके का वैक्सीनेशन सेंटर अलीराजपुर के सोंडवा में देखने को मिल रहा है, ये लगभग हर विकास खंड और हर जिले के विकास खंडों में होना चाहिए ताकि मोटिवेशन लोगों को मिल सके। जिस प्रकार की कवायद यहाँ हुई है वही कवायद बाकी जगह भी हो जाए तो शायद टीकाकरण को लेकर लोगों में उत्साह का माहौल बन सकता है। अलीराजपुर लाइव के लिए अजय कुमार मोदी और योगेंद्र राठौड़ की रिपोर्ट।